ये चूज़ा जो था ना वो बेसिकली 300 के करीब, यानी कि 250 के करीब जो डब्बे हैं वो भाई को जाएंगे, और उसके अलावा जो रिमेनिंग है वो मैंने आगे एक साहब को देना है। आपको ज़रा दिखा देते हैं कितना है। 12 रबी अव्वल का दिन है, आपको ये बात तो मैं बताना ही भूल गया। सब चीज़ें बंद हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग ही हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखते हैं क्या बनती है सिचुएशन, क्या प्लान बनता है। ये तो चूज़ा चला गया, और टोटल चूज़ा की जो बुकिंग थी ना वो 250 की थी, और माशाल्लाह हमें तकरीबन 450 चूज़ा दे दिया। तो बाकी हम किसी को एक्स्ट्रा करेंगे, किसी को हम कुछ करेंगे, वो एक बात की बात है। दूसरी चीज़ आपको एक बात बताऊँ फैज भाई, वो ये थी, मैंने कहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करनी है, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है। पता ही क्या, सारा का सारा असल मसला ये है कि मैंने आपको बताया कि हम 2-4 दिन बाद फिर लौट जा रहे हैं, तो मुझे पता है कि यहाँ से तो ना काम करने नहीं पड़ेंगे। तो मैं आपको एक बताऊँ ना, जनरल बात देखें कॉन्सेप्ट रखेगा, फार्मर की ज़िंदगी में छुट्टी नहीं होती, फार्मर की ज़िंदगी में सिर्फ काम होता है। छुट्टी कोई भी नहीं करता, वो एंजॉय कर सकता है। तो ये एक नॉर्मल सी रूटीन थी, मैंने कहा आपको बता दें, क्योंकि लाइट जाने वाली है और काम हमारे सारे हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारी जगह पर गंद दिखेगा, उसका रीज़न सारा ये है कि सारी ग्रीन नेट निकाली, तो ऐसे पता कचरा तो गिरा है, वो इंशाल्लाह कल करेंगे काम, क्योंकि सारी ग्रीन नेट निकाल के मैंने यहाँ पे रख दी है। और इस पूरे काम में मुझे तकरीबन 2.5 घंटे लग गए। अच्छा, इसमें देख रहे हैं ना, इसमें कुछ चूज़े ज़्यादा है, इसकी भी इंशाल्लाह कल सेटिंग करेंगे, अब तो टाइम नहीं बचा। और उसके अलावा आपको ज़रा अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड आज की। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई फाइनली हम आ गए कहाँ से, सवाद से कराची आ गए, नजर ही नहीं आ रहे, बिल्डिंग पहाड़ नजर नहीं आ रहे, वापसी उसी पोल्यूशन में आ गए। और अल्लाह का शुक्र है सफर खैरियत से रहा, उसके जब से सवाद से आए पहली वीडियो है बेसिकली। तो एक ट्रिप और है, एक चीज़ और है भाई फैसला, अभी बता दो। फिर लोगों ने कहा था यार आपने सवाद गया, आपने बताया नहीं हमसे मिलना था। तो ये भी है कि हम आ रहे हैं अगली दफा भाई, लाहौर आ रहे हैं, लाहौर वाले तैयार हो जाओ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं। अभी कंफर्म नहीं है काफी तक, लेकिन 90% चांस है कि इंशाल्लाह पहले अनाउंस कर देंगे। हाँ इंशाल्लाह 26 तारीख को दिन अल्लाह ने चाहा तो लाहौर 25-26 को हम पहुंचेंगे। तो किसी का अगर फॉर्म वगैरह होना अच्छा सा, जहाँ पे वीडियोस वगैरह हम रिकॉर्ड कर सके तो बताएगा जरूर, भले कैटल से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हम इंशाल्लाह उसको रिकॉर्ड कर लेंगे अगर हमारे लिए फिजिबल रहा तो। तो खैर अभी कुछ चूज़ा वूज़ा लेना है, चूज़ा पिक करते हैं, उसके बाद चलेंगे घर, कुछ छोटे मोटे से काम है। फैज़ अभी फ्लॉग अपने प्लेस करने वाले, देखते हैं कब करेंगे, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अगर लाहौर नहीं बनता तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और एक चीज़ मेरे पास भी इस दफ़ा चेंज होने वाली है, शायद मैं भी जो ना इस दफ़ा ब्रॉयलर के आसपास हूँ, तो देखते हैं इंशाल्लाह जो भी सेटिंग बनती है अल्लाह ने चाहा तो प्लान करते हैं। ये चूज़ा जो था ना वो बेसिकली 300 के करीब, यानी कि 250 के करीब जो डब्बे हैं वो भाई को जाएंगे, और उसके अलावा जो रिमेनिंग है वो मैंने आगे एक साहब को देना है। आपको ज़रा दिखा देते कितना है। 12 रबी अव्वल का दिन है, आपको ये बात तो मैं बताना ही भूल गया। सब चीज़ें बंद हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग ही हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखते हैं क्या बनती है सिचुएशन, क्या प्लान बनता है। ना भाई ने पहली दफ़ा पाला है, तो भाई के एंड तो चूज़ा चला गया। अभी जो रिमेनिंग है ना उसका आपको ज़रा दीदार कराते हैं फैज भाई, और उसके बाद ना आगे की ना लगते भी माशाल्लाह से हो। अभी भाई एक चीज़ आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है, अभी आगे चल के बताते हैं आपको। नहीं वो बहुत ज़्यादा जरूरी भाई, कोई भी नहीं है, 12 रबी अव्वल और माशाल्लाह से हम लोग काम पे लगे हुए हैं, सही मिलाज चल रहा है, करते हैं काम को। ये तो चूज़ा चला गया, और टोटल चूज़ा की जो बुकिंग थी ना वो 250 की थी, और माशाल्लाह हमें तकरीबन 450 चूज़ा दे दिया। तो बाकी हम किसी को एक्स्ट्रा करेंगे, किसी को हम कुछ करेंगे, वो एक बात की बात है। दूसरी चीज़ आपको एक बात बताऊँ फैज भाई, वो ये थी, मैंने कहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करनी है, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई हम आपके घर पर आते हैं एक आध दिन में इंशाल्लाह, और हम एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं डे ओल्ड चूज़े के हवाले से, क्या मैनेजमेंट है, क्या तरीका कार है, किस तरीके से पालना है, पूरे हफ्ते का प्लान दे देंगे। पता क्या होता है, 10 बंदे मिलते हैं, 10 को अलग अलग तरीके से बताते हैं, क्या पता कोई चीज़ मिस हो जाए। तो भाई एक डिटेल वीडियो बना देंगे, जैसे कोई बंदा चूज़ा बाय करेगा भले हमसे ना भी बाय करे, कम से कम वो वीडियो देख ले और सबके लिए तो ना आसानी हो जाए, ठीक है ना। ये हमारा नेक्स्ट प्लान है, क्योंकि तो ना यार ये बहुत ज़रूरी हो चुका है, हर कोई बंदा कोई ना कोई गलती कर देता है। एक चीज़ आपने बताई आज, क्या चूज़े के रेट क्या साहब? भाई चूज़े का रेट तो 200 से भी क्रॉस कर चुका है आज माशाल्लाह से। वो देखो चूज़े का रेट वो ये 4-5 मरे हुए निकल कर रहा है, वो यानी कि मर गए बेचारे, कुछ एक्स्ट्रा होगा, लेकिन चूज़े का रेट बहुत हाई है। और उसके बाद उस वीडियो में पता है क्या क्या होगा, उस वीडियो में ये होगा कि कितनी स्पेस देनी है, कौन सी फीड देनी है, किस तरीके से रखना है, कितना टेम्परेचर देना है, एक हफ्ते तक क्या मैनेजमेंट करनी है, किस तरह फीड देनी है, ईच एंड एवरीथिंग उस वीडियो में होगा। जितनी जल्दी वीडियो चाहते हो उतनी जल्दी कमेंट करो, उतनी जल्दी इंशाल्लाह अपलोड करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। ये वाला काम हमने इंशाल्लाह अब करना है, लंगड़ा लुटते हुए जाना है वापसी, ठीक है ना, चलो निकालते हैं। अच्छा भाई लाहौर जाने का, सॉरी सवाद जाने का नुकसान हमें सारा ये हुआ कि गन देख रहे हो आप, 1, 2, 3, 4 तो फीड के बैग पड़े हुए हैं। इसके अलावा चूज़ों की तरतीब की भी अच्छी खासी लगी पड़ी है, यानी किसी केज में ज़्यादा है, किसी में कम है, और सारे काम जो ना बिखरे हुए हैं। तो अब मेरा जो काम है ना वो ये है कि भाई सब चीज़ों को हम समेटेंगे इंशाल्लाह एक एक करके, और उसके बाद जो है ना फिर वीडियो को भी अच्छे से एंड करेंगे और डिटेल आपको सारी देंगे, क्या सिचुएशन है, क्या प्लान है, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि काम जो है ना वो बहुत ख़राब हुआ है। देख रहे हो यार पूरी झाड़ू फैली हुई है, पता नहीं क्या कुछ फैला, तो जगह की सफाई करेंगे उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे ताकि बात कर सकें। अच्छा भाई सिचुएशन सारी ये थी कि मैंने कहा आपको बता दूं कि सफाई वगैरह तो जैसे बातें बंदा करता रहेगा, लेकिन चीज़ें जो ना वक्त के साथ साथ अच्छी खासी बिगड़ गई हैं। अभी इनको समेटना भी और मसला पता ही क्या, सारा का सारा असल मसला ये है कि मैंने आपको बताया कि हम 2-4 दिन बाद फिर लौट जा रहे हैं,
तो मुझे पता है कि यहाँ से तो ना काम करने नहीं पड़ेंगे। तो मैं आपको एक बताऊँ ना, जनरल बात देखें, कॉन्सेप्ट रखेगा, फार्मर की ज़िंदगी में छुट्टी नहीं होती, फार्मर की ज़िंदगी में सिर्फ काम होता है। छुट्टी कोई भी नहीं करता, वो एंजॉय कर सकता है एक आध दिन के लिए, लेकिन अगर वो सोचे ना वीक की छुट्टी कर ले वो अपने काम से, तो नियर टू इम्पॉसिबल है। अगर मैं चला भी जाता हूँ तो मुझे पता है मुझे व्हाट्सएप पे अवेलेबल होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं कंसल्टेशन क्या कहते हैं देता हूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है भाई, बहुत सारी चीज़ें बहुत हद तक कंट्रोल में। और ये सब चीज़ें तो शायद आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ज़्यादा मुश्किल करते हो, लेकिन खैर ये चल जाती है। ये वीडियो छोटी थी, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह वापसी आके दोनों चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकूँ। अच्छा भाई, सफाई वगैरह तो कर दी है और कुछ चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हैं। आप ज़रा फीड वगैरह ऊपर चढ़ाते हैं, फीड नीचे से ऊपर आ रही है, दो मिनट वेट करेंगे। ये चौथे फ्लोर से भाई डायरेक्ट ऊपर आ रही है, आप लोगों को तो पता है बहुत सारे जो लोग हैं। लेकिन फीड डालने से पहले मैंने काम करना है, वो ये करना है कि चूज़ों को बैलेंस करना है, जिसमें ज़्यादा है उसमें कम करना है, जिसमें कम है उसमें ज़्यादा करना है, समझ रहे हैं? तो इस बैलेंस को ताकि हम बरकरार कर सकें, चूज़ों की ग्रोथ भी अच्छी होगी इससे ना, और मोर्टेलिटी भी कम से कम होगी, तो पहले इस काम को निपटाते हैं। तो भाई ये काम सिंपल सा था, मैंने इसलिए दोनों जाली पहन ली थी क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा स्मेल होती है ना इनके, फिर आंखों पे लगती है। पहली बात तो इनकी स्पेस मैनेज करनी थी, दूसरा काम जो था वो ये था कि जो जाली गंदी गंदी थी इन सबको निकाल के मैंने यहाँ पे से इस सबको ख़त्म करना था। ये काम भी मुश्किल है, अच्छा खासा मुश्किल काम है ये, और इस काम में मुझे पूरे के पूरे 3 घंटे लग गए थे, नहीं 2 घंटे लग गए थे आई गैस, लेकिन अलहमदिल्ला काम भी निपटा लिया था, 1.5-2 घंटे लग गए थे ऑलमोस्ट, लेकिन यही कि चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कंट्रोल में थी और ख़त्म हो गई थी। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद का सिचुएशन, के इसके बाद जगह भी साफ़ कर दी थी और अच्छे से चीज़ों को बेहतर कर दिया था। अच्छा भाई, सारा काम कर लिया है, चूज़ों को इक्वली डिवाइड कर दिया, उसके अलावा जो यहाँ पे ग्रीन नेट बिछी हुई थी ना वो मैंने उठा दी, मैं आपको दिखाऊं। जैसे कि ये ग्रीन नेट है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि चूज़े के तो ना पाँव वगैरह गंदे नहीं होते। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये वाली यहाँ से अभी मैंने ग्रीन नेट हटाई, यहाँ पे आपको कचरा दिख रहा है, यहाँ का पाइप का कलर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है, पाइप का कलर कितना गंदा हो रहा है, और यहाँ की जाली भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है। उसके कंपेरिजन में ये वाला है, यहाँ की जाली भी ऑलमोस्ट साफ है, गंद जो है वो नीचे, और पाइप एकदम चमकता हुआ नए की तरह। तो यार ये फ़ायदा ही रहता है उसका ओवरऑल ये, और वेंटिलेशन भी बढ़ जाती है चूज़ों की और सफाई भी अच्छी से हो जाती है। तो इसके लिए मैं उसको हटा देता हूँ, चूज़ों की इसमें ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है, मोर्टेलिटी ना होने के बराबर और गैसेस कम से कम बनती हैं। तो ये एक नॉर्मल सी रूटीन थी, मैंने कहा आपको बता दें, क्योंकि लाइट जाने वाली है और काम हमारे सारे हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारी जगह पर गंद दिखेगा, उसका रीज़न सारा ये है कि सारी ग्रीन नेट निकाली, तो ऐसे पता कचरा तो गिरा है, वो इंशाल्लाह कल करेंगे काम, क्योंकि सारी ग्रीन नेट निकाल के मैंने यहाँ पर रख दी है। और इस पूरे काम में मुझे तकरीबन 2.5 घंटे लग गए। अच्छा इसमें देख रहे हैं, इसमें कुछ चूज़े ज़्यादा है, इसकी भी इंशाल्लाह कल सेटिंग करेंगे, आपको टाइम नहीं बचा। और उसके अलावा आपको ज़रा बात बताऊँ ना, एक चीज़ दिखाता हूँ ज़रा बड़ी मज़ेदार थी, वो ये है कि इसमें ग्रीन नेट छोड़ने का रीज़न सारा ये है, दिखे आपको रीज़न, दिखाते हैं ज़रा करीब से, दिखाते हैं आपको ग्रीन नेट, ये देखें बॉस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तकरीबन 7 के करीब पड़े हुए हैं। एक चूज़ा बेचारा मरा पड़ा, मैंने अभी देखा गौर किया, लेकिन तकरीबन 7-8 के करीब अंडे पड़े हुए हैं, जैसे मैंने कहा था वैसे लाइट चलेगी। तो बस ये एक मेन रीज़न था, इन मुर्गियों को देना मैंने इंशाल्लाह ऐसे शिफ्ट करना आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे एक मुर्गी और थी जो मैंने सोचा था कि उसको भी लेके जाऊंगा, लेकिन उसको लोग मार रहे थे, उसको मैं अलग रख दिया। देख लो कितनी खूबसूरत मुर्गियाँ हैं, ये 4-5 मुर्गियाँ फॉर सेल हरगिज़ नहीं है, मेरे अपने घर के लिए हैं। और कोई ये बोले कि भाई आपका घर मेरा घर एक है, तो ये भी जुल्म हो जाएगा, जालिम लोग होते हैं यार, पता है क्या कहते हैं, कहते हैं यार आपका घर हो मेरा घर हो बात तो एक ही है ना, तो नहीं भाई मेरा घर अलग है आपका घर अलग है, आप भले आपकी अपनाई है, लेकिन मेरे घर में तो फिर मेरे घर के अंडे चलेंगे, तो ये एक मसला बन जाएगा। खैर हाँ मैं क्या बोलूँ आपको, तो अब ये है कि इनको इस काम को यहाँ से निपटा के चलते हैं घर की तरफ, वहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं आज की, सही है? अच्छा भाई, रात को लाइट चली गई थी तो वीडियो हमने वहीं पर पॉज कर दी। अब सिचुएशन ये है कि ये जगह हमारे पास बची है चूज़ों की, हाल अहवाल देख रहे हो, सब जगह पे तबाही मची हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है चीज़ टाइम टू टाइम सफाई मांगती है। अभी तो अब ये है कि 1-2 दिन में इस जगह की पूरी की सफाई करेंगे, इस जगह की सफाई करेंगे, उससे ख़तरनाक जगह मैं आपको और दिखाता हूँ, ये वाली जगह। तो होपफुली ये जगह जो है ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, मुर्गियाँ जो है बेचारी ऐसी रखी हुई हैं केज में, इनको भी आगे पीछे करना है। उसके अलावा मोर भी यहीं पे घूम रहा होगा, आपको दिखेगा अभी, पता नहीं कहाँ है, अभी यहीं पे घूम रहा था। तो मोर भी है असील ऐसी रखा हुआ है केज के अंदर, और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं टर्की उतर रखे हुए हैं, तो सारे सामान जो ना फैला हुआ है इंशाल्लाह आजकल में समेटेंगे और इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर ही एंड। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी, वीडियो मुझे पता है बहुत ज़्यादा मैसी थी, बहुत ज़्यादा गंदगी थी इसके अंदर पूरी वीडियो में, लेकिन मैं क्या वैसे ही आपको लुक दिखा दें क्या सिचुएशन चल रही है, क्या प्लान चल रहा है। तो बस इस वीडियो में पर ही एंड कर देते हैं, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा, साथ ही अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़, ठीक है? कोर्स के मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा फार्मिंग का कोर्स है उसमें सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में गाइड करी हुई है। मिलते हैं कल के एपिसोड पर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।